हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर वीडियो क्लास। इन लास्ट वीडियो वी हैड सॉल्व दिस फॉलोइंग स्टोरी सम्स, पेज नंबर 86 हमने डन, टू एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करवाए थे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर नेक्स्ट पेज, दिस इज पेज नंबर 87 एंड स्टोरी सम्स हैज यू जस्ट लिसन टू मी। ओके, हाउ टू सॉल्व स्टोरी सम्स, कैसे करना है मैंने पहले भी आपको बताया अच्छे से। यू हैव टू रीड दिस, रीड प्रॉपरली करना है। तो पहला वाला, पुट योर फिंगर देयर, अली हैज 17 पेंसिल्स। जो अली नाम का लड़का है उसी के पास 17 पेंसिल्स है। जॉन हैज 22 पेंसिल्स, और एक जो दूसरा लड़का है जॉन हैज 22 पेंसिल्स। ठीक है, हम क्या अब तक पता चला हमें, अली के पास 17 पेंसिल है और जॉन हैज 22 पेंसिल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे हैव ऑल टू गेदर। हाउ मेनी मीन्स कितनी, पेंसिल्स डू दे मीन्स दोनों के मिलके, हैव ऑल टू गेदर मीन्स दोनों की कंबाइन करके कितनी पेंसिल्स है, वो हमें आंसर ढूंढना है। तो एडिशन का जो हमारा होता है वही मीन्स वन और टू थिंग्स को कंबाइन करना, टू और मोर कलेक्शन कंबाइन, दैट मीन्स एडिशन। तो यहाँ पे ये दोनों की जो पेंसिल है वो हमें ऑल टू गेदर मीन्स कंबाइन करनी है। क्लियर, सो इन एडिशन नो नीड टू राइट विच नंबर इज अप साइड विच नंबर इज डाउन साइड। एडिशन में आप ऊपर नीचे कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है, बट बी केयरफुल व्हेन यू डिसाइड दैट कि योर सम्स इज सब्ट्रैक्शन। अगर जब सब्ट्रैक्शन का क्षण है तभी आपको ख्याल रखना है एवरी डे बिग नंबर इज अप साइड, क्योंकि बड़े नंबर में से ही हम छोटे नंबर माइनस कर सकते हैं। कभी छोटे नंबर में से बड़े नंबर माइनस कर पाएंगे नहीं। ओके, चलो हियर 17, फर्स्ट इज 17, अली है 17 पेंसिल्स, ठीक है, और दूसरा दिया है जॉन हैज 22 पेंसिल। तो जो ये जिस स्टोरी सम से अगर उसी का स्टेटमेंट लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो जो अली है पहला वाला लड़का है अली, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ए एल आई अली, अली हैज, ये पूरा लंबा आता है अली हैज पेंसिल, बट यहाँ जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है अली। फिर दूसरा नंबर है 22, वो ये रिहा 22, और ये 22 किसके पास है, जॉन, तो हम उसका नाम लिख देते जे ओ एच एन, यहाँ एक्चुअली जॉन हैज पेंसिल्स ऐसा आता है, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू हियर एडिशन, लेट स्टार्ट, 7 + 2 विच नंबर इज बिगर वन, 7 या 2, 7 है ना, तो 7 + 2 फिंगर 7 after 8 और 9, कितना इजी है ना। चलो 7 + 2 इज 9 हियर, एंड देन नेक्स्ट नंबर इज 2 + 1, आंसर इज 3, 2 के बाद 1 फिंगर मीन्स 3, ये माइंड में रखना ही है, व्हेन वी एड 1 डिजिट आंसर इज नेक्स्ट नंबर, सो 2 आफ्टर नेक्स्ट नंबर इज 3। ओके, चले लेट्स मूव फॉर सेकेंड सम, सेकेंड सम्स क्या है देखते हैं। आई हैव 14 बैंगल्स, माई मदर गेव मी 55 मोर। अच्छा देखो, आप भी लड़कियां ऐसे बैंगल से खेलती रहती हो ना, तो यहाँ पे भी ये लड़की बता रही है आई हैव मीन्स मेरे पास 14 बैंगल्स, मेरे पास 14 बैंगल्स है। My mother gave means मेरी मम्मी ने दिया कितना, me 55 more, मुझे 55 पेंसिल बैंगल्स और दी है। How many bangles do I have now, तो अब मेरे पास कितनी पेंसिल होगी, ये पूछ रही है। पहले उसके पास थी और मम्मी ने ज्यादा दिया, तो क्या हुआ, इट्स अ एडिशन, था और उसमें नई चीज ऐड करनी थी, हियर वी डू एडिशन। क्लियर,
चले फर्स्ट योर नंबर इज 1 4 ओके। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट में क्या आएगा, जो ये क्या स्टेटमेंट नंबर के आसपास में जो होता है आई हैव, तो यहाँ पे लिख लोगे आई हैव, जो उसी के मीन्स 14 आई हैव, ठीक है। फिर 55 जो नेक्स्ट नंबर इज 55 माई मदर गेव, तो यहाँ पे लिखो मदर गेव मीन्स मदर ने दिया, ठीक है। जो मम्मा ने दिया वो और आपके पास थी वो दोनों का हमें क्या करना है एडिशन, कैसे करोगे 5 + 4 बड़ा नंबर, ठीक है। 5 आफ्टर 4 फिंगर काउंट कर लीजिए, 5 आफ्टर 6 7 8 9, सो योर आंसर इज 9 एंड 5 + 1 1 है मीन्स योर नेक्स्ट नंबर, तो 5 का आफ्टर नंबर इज नेक्स्ट नंबर इज 6। एंड यहाँ जो क्वेश्चन कैसे पूछा होता, हाउ मैनी बैंगल्स डू आई हैव नाउ, अब मेरे पास अभी कितनी बैंगल्स होगी, तो यहाँ पे हमें लिखना है नाउ आई हैव, ऐसा लिखना होता है बट यहाँ पे शायद नहीं आएगा नाउ आई हैव, ओके। यहाँ ये अगले वाले जो सम है उसी में हम भूल गए हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा था स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे हैव ऑल टूगेदर, तो यहाँ पे एक्चुअली हमें क्या लिखना होता है, जो 39 आंसर आया वो हमें यहाँ लिखना होता है ऑल टूगेदर, जो क्वेश्चन पूछा 39 ऑल टूगेदर, ओके। जितना हमें लास्ट में आया है जो मिला है, जो क्वेश्चन पूछा है उसी का ही हमें आंसर देना होता है, तो उसी क्वेश्चन में ही हमें आंसर मिल जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट अवर सम इज देर आर 24 गर्ल्स, कितनी गर्ल्स है वहां पे 24 एंड 22 बॉयज, बॉयज कितने हैं 22 इन क्लास फर्स्ट, मीन्स आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्लास है उसी में 22 बॉयज है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देर इन ऑल, मीन सब मिलके कितने स्टूडेंट होंगे, तो क्या लिखोगे, जब क्या पूछा है गर्ल्स है और बॉयज है मीन्स दोनों मिलके हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देर इन ऑल, सब मिलके कितने स्टूडेंट है, तब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एडिशन। चले फर्स्ट नंबर इज 24 और 24 क्या है गर्ल्स, ये स्टोरी स्टेटमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा आपको, जैसे 24 क्या है गर्ल्स, तो यहाँ पे लिखोगे जी आई आर एल एस, ओके। एंड 22 नेक्स्ट नंबर इज एन 22 क्या है बॉयज, तो बी ओ वाई एस, ओके। चलो लेट्स डू एडिशन, 4 + 2 4 इज बिग नंबर सो इट्स इन माइंड, 4 आफ्टर 2 फिंगर 4 आफ्टर 5 6 मैंने पहले से ही आपको बताया है जो छोटा नंबर है उतनी ही आपको फिंगर, वो नंबर आपको फिंगर ही करनी है, फोर प्लस टू सिक्स एंड 2 + 2 2 + 2 4, ये ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना एडिशन तो आपको अपने माइंड में आ जाएगा, फिर आप लोग को फिंगर काउंट करनी पड़ेगी भी नहीं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल, तो यहाँ आएगा इन ऑल 46 इन ऑल मीन्स सारे स्टूडेंट मिलके 46 हुए हैं। चले नेक्स्ट सम 42 काउंट्स, देखो ये काउंस है 42 काउंस एंड 36 बफेलोज, दिस वन इज बफेलो आर ग्रेजिंग इन अ फील्ड, फील्ड मीन्स खेत, ग्रेजिंग मीन्स जो वो लोग अपना खाना खाते हैं, ग्रास खा रहे हैं, देखो ये सारे क्या कर रहे हैं ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स ग्रास खा रहे हैं, ओपन फील्ड है उसी में दे आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स खाना उसका ग्रास खाना, ठीक है। आर ग्रेजिंग इन अ फील्ड, फील्ड मीन्स खेत, ये जो ओपन एरिया होता है इट्स कॉल्ड अ फील्ड, हाउ मेनी कैटल्स,
केटल मीन्स ये सारे एनिमल्स, केटल मीन्स ये सारे एनिमल्स आर देर इन ऑल मीन्स हाउ मेनी टोटल केटल्स आर देर मीन्स वहां पे कितना केटल्स है वो हमें ढूंढना है। क्लियर? क्या करेंगे हम, जब चीज है जो थिंग्स है उसी को हमें एडिशन करना है, मिलाना है, तभी हम करेंगे एडिशन। चले 40 टू फर्स्ट नंबर एंड फर्स्ट इज काउंस एंड सेकेंड वन इज 36 एंड 36 इज बफेलो। बफेलो का स्पेलिंग काउंस का को आता होगा। बफेलो का मेरे साथ रीड करिए, बी यू डबल एफ ए एल ओ ई एस। देखो बफेलोज, यहाँ बफेलो का प्लूरल फॉर्म लगाया है, तभी ये जो होता है यहाँ पे डब्ल्यू उसी का ई एस हो गया है। ठीक है, बफेलोज। चले फिर लेट्स डू एडिशन। 6 + 2 7 एंड 8, सो हियर इज 8 एंड देन 4 + 3 4 आफ्टर 5 6 7 सो योर आंसर इज 7 एंड हाउ मेनी आर देर इन ऑल मीन्स ऑल इन ऑल तो हम क्या लिखेंगे 78 इन ऑल मीन्स सारा मिलके 78 हो गया। ओके चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी सम्स इज मीना एट 43 बिस्किट्स। मीना ने 43 बिस्किट्स खाया। ऑन मंडे मीना ने 43 बिस्किट्स खाया एंड 41 बिस्किट्स ऑन ट्यूसडे। और ट्यूसडे उन्होंने 41 बिस्किट खाया है। हाउ मेनी बिस्किट्स डिड मीना ईट इन ऑल मीन्स सारा मिलके दोनों दिन का मिलके मीना ने टोटल कितने बिस्किट्स खाए। व्हाट वी डू हियर, हियर वी डू एडिशन। लेट्स राइट देयर नंबर टेंस एंड वंस की प्लेस में प्रॉपरली नंबर लिखोगे। हियर 43 + 41 चले 3 + 1 इज 4 बिकॉज व्हेन वी एड 1 आंसर इज नेक्स्ट नंबर, जो दूसरा नंबर होता है उसी का नेक्स्ट नंबर इज योर आंसर। एंड 4 + 4 4 आफ्टर 4 फिंगर काउंट कर लीजिए 4 after 5 6 7 8 सो योर आंसर इज 8 हियर। ठीक है 84 एंड फर्स्ट में मीना 43 बिस्किट्स ऑन मंडे। एक्चुअली 43 यहाँ पे हम लिखेंगे ईट ऑन मंडे लंबा आता है, बट वी हियर वी राइट ओनली मंडे MONDAY मंडे एंड हियर इज ट्यूजडे। एंड लास्ट वन में डिड मीना ईट इन ऑल लिख देंगे हम इन ऑल 84 इन ऑल मीन्स सारा मिलके इन्होंने 84 बिस्किट्स खाए। ओके स्टूडेंट्स, ये वाले स्टोरी सम्स है, इसकी हम ज्यादातर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी ये वो आपको आएगा। और ये जिसे इन ऑल हाउ मेनी टोटल ऐसे जिसे आप रीड पूरी स्टोरी सम्स करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको ये स्टोरी सम्स है उसका एडिशन करना है कि सबट्रैक्शन। ओके सो दिस पेज इज योर सी डब्ल्यू एंड योर एच डब्ल्यू इज चलो इन वर्कशीट सुन लीजिए अच्छे से। वर्कशीट पीए टू वर्कशीट जो हमारी कंटिन्यू हो रही है उसी में से ही पेज 2 स्टोरी सम्स 1 2 3 4 एंड 5 ठीक है। ये 5 सम्स इज योर होमवर्क यहाँ तक। व्हाट इज योर होमवर्क, वर्कशीट पेज नंबर 2 स्टोरी सम्स कौन कौन से 1 2 3 4 एंड 5 ठीक है। अच्छे से रीड करोगे फिर सोचोगे एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन। मोस्टली सारे एडिशन हो गए बट बी केयरफुल। ओके स्टूडेंट्स, दिस 5 सम इस इज योर होमवर्क। बाय बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।